अस्सलामुअलैकुम निजाइन न्यूज के साथ मैं हूँ आयजा। खबरों का आगाज करेंगे और शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से इलाकाई खबरें। महंगाई के मारे आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 159.84 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इस बढ़ने वाली महंगाई का असर सबसे ज्यादा मजदूर और दिहाड़ीदार तबके पर पड़ता है। इस वक्त हाजीपुर में हमारे नुमाइंदा अफजाल अरशद जट मौजूद है। जी अफजाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत की जानिब से तेल, पेट्रोल और डीजल की मसनूआत में की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम पर एक और महंगाई का आइटम बम गिरा दिया है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, आइए उससे जानते हैं कि आए रोज़ जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है वो आला काम से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सब तो पहली गलते हुए जो जिमींदार है, जो इंसान, जो किसान आदमी है, वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है हुकूमत की। जो अगर तेल महंगा होगा वो किसान कैसे उसको बर्दाश्त करेगा, कैसे वो फसल बीजे बोएगा। इसलिए मेहरबानी करके और मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर या कोई भी ट्रांसपोर्ट है उसका किराया ज़्यादा हो जाता है। हर चीज़ पेट्रोल महंगा होना, डीजल महंगा होना, हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है। इस वास्ते मेहरबानी करके इसे कंट्रोल किया जाए। गरीब आवाम बेचारी कहाँ जाए? एक मजदूर की 500 दिहाड़ी है, वो पेट्रोल पूरा करे या घर का खर्चा पूरा करे। शहरियों का आला काम से यही मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई कीमतों में इजाफा जो हो रहा है इससे कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम भी सुख का सांस ले सके। डेरा पुलिस ने 3 माह कबल बैंक डकैती की वारदात का हाई प्रोफाइल मास्टरमाइंड और सरगना गिरफ्तार कर लिया। खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी और डकैत के सर की कीमत 5 लाख मुकर्रर थी। डीपीओ डेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजरिम मीडिया के सामने पेश कर दिया। थाना सदर की हदूद शेख यूसुफ के मुकाम पर बैंक डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें नामालूम मुल्जिमान मजमूई तौर पर 45 लाख रुपए से जायद की रकम लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस टीम ने मुल्जिमान का सुराग लगाकर वारदात का एक अहम करिंदा जिला मालाकंड से गिरफ्तार कर लिया था और इससे लूटी गई रकम भी बरामद कर ली थी। ताहम वारदात सर अंजाम देने वाला हाई प्रोफाइल मास्टरमाइंड और सरगना मोहम्मद सफदर वल्द अख्तर अली आदम गिरफ्तार रहा। मुल्जिम ने पुलिस को चकमा देने के लिए जाली शनाख्ती कार्ड और जाली लाइसेंस बनाया हुआ था। डेरा पुलिस को मुस्कुरा वाला मुजरिम डकैती और चोरी की कई वारदातों में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक मुजरिम डेरा के अलावा कत्ल, डकैती, राहजनी और दीगर संगीन वारदातों में मतलूब था। सबसे पहले तो माजरत खाऊं कि थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एक तरह मीटिंग प्रोलॉन्ग हो गई थी। आप सब लोगों का बड़ा मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हमारे एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर। आज की प्रेस ब्रीफ का मकसद बेसिकली आप तमाम लोगों को आज से 2 माह कबल एक बैंक रॉबरी जो कि एलाइट बैंक में हुई थी शेख यूसुफ अड्डा के करीब, उसके बारे में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है, उसके बारे में आपको आगाह करना था। इस बैंक डकैती के अंदर जो कि एलाइट बैंक शेख यूसुफ अड्डे के पास था, 3 मुलजमान बैंक में एंटर हुए थे और मुलजमान ने सिक्योरिटी गार्ड को जो पहले इंजर किया, उसका रिपीटर छीना और उसके बाद 41 लाख रुपए की रकम लूट के फरार हो गए थे। इस मुलजिम की अरेस्ट की खातिर डेरा पुलिस की टीम जेरे क़यादत DSP सदर ने मुतअद्दिद बार जो है कराची के अंदर रेड किया। मैं यहाँ ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि ये जो सफदर है नहायत ख़तरनाक मुलजिम था और ये इन्वॉल्व रहा है और वांटेड है कराची पुलिस को, भक्कर पुलिस को, रावलपिंडी पुलिस को, हरिपुर पुलिस को। नाकुस सफाई और अदम त्वचा के बाइस कोटली, लोहारा और शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर फैलने लगे। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और अदम त्वचा के बाइस गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोटली लोहारा में सफाई ना हो सकी। कूड़ा क्रिकेट के बुलंद व बाला ढेरों से ताबकुन और बदबू फैलने लगी। इंतजामिया के मुताबिक खाक रूपों की शदीद कमी के बाइस मसला दरपेश है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ का ढडियाल का दौरा। ढडियाल की पीपल्स पार्टी के जालों से खताब किया और लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तैयारी पर बात की। रिपोर्ट कर रहे हैं ढडियाल से राव नहीद सलीम। साबिक वजीर आजम पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना दुबर कर दिया है। लोग परेशानी के आलम में है कि 2 वक्त की रोटी कैसे कमाए, मगर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ
महंगाई करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। गरीबों से इनके मुंह का निवाला तक छीन लिया है। बिजली के बिल इतने बढ़ाए कि अवाम चीख रहे हैं, मगर इस पार्टी इस हुकूमत से अवाम को निजात दिलाकर रहेगी। अल्लाह ताला, मुझे लग रहा है मैं दीवार पर पढ़ रहा हूँ कि फिर आपकी हुकूमत आ रही है इंशाल्लाह। पटवारियों की सीटों पर प्राइवेट मुंशियों का राज, खुद भी खाओ पटवारियों को भी खिलाओ, करप्शन का बाजार सरगर्म। तमाम पटवारियों ने अपने इख्तियार प्राइवेट मुंशियों को ठेके पर दे दिए। पटवारियों ने अपनी मर्जी से प्राइवेट मुंशी रखकर तमाम सरकारी रिकॉर्ड और इख्तियार इनको सौंप दिया है, जिन्होंने धड़ल्ले से रिश्वत सताने का बाजार सरगर्म कर रखा है, जिनको कोई पूछने वाला ही नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया जयाब था जिसकी मुख्तलिफ इलाकों में जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया जयाब साजिद ने मुख्तलिफ इलाकों में अशिया जायद भेज कर फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25,000 जुर्माने आयद किए और दुकानदारों को वार्निंग देते हुए कहा कि जिला हुकूमत की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट से जायद कीमत पर फरोख्त करने वाले दुकानदार किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है और रेट लिस्ट को दुकान की नुमाया जगह पर अवेजा करें ताकि कस्टमर्स बआसानी रेट लिस्ट खरीदारी से कबल देख सकें। डिजाइन न्यूज से फिर वक्त नहीं, मुल्क भर के हालात से बाखबर रहने के लिए देखते रहें डिजाइन न्यूज। इसके अलावा आप हमें हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें डिजाइन न्यूज। अल्लाह हाफिज़।